नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारत देश की सेवा करने में लगा दिया। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भूतपूर्व CDS बिपिन रावत जी के बारे में। बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को देहरादून में हुआ। बिपिन रावत के पिताजी LS रावत भी फौज में थे और उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल LS रावत के नाम से पहचाना जाता था। इनका बचपन फौजियों के बीच ही बीता और इनकी शुरुआती पढ़ाई सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला में हुई। उसके बाद उन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन लिया और देहरादून चले गए। यहाँ उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें पहला सम्मान पत्र मिला, जो सॉर्ड ऑफ हॉनर से सम्मानित किया गया था। उसके बाद उन्होंने अमेरिका में पढ़ाई करने का मन बनाया और वो अमेरिका चले गए। यहाँ उन्होंने सर्विस स्टाफ कॉलेज में ग्रेजुएट किया, साथ में उन्होंने हाई कमांड कोर्स भी किया। रावत ने मद्रास विश्वविद्यालय से रक्षा अध्ययन विषय में MPhil की उपाधि एवं प्रबंधन एवं कंप्यूटर अध्ययन में डिप्लोमा भी प्राप्त किया। वर्ष 2011 में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से इन्हें सैन्य मीडिया अध्ययन के क्षेत्र में शोध के लिए PhD की मानद उपाधि दी गई। इन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद बिपिन रावत अमेरिका से लौट आए और उसके बाद उन्होंने आर्मी में शामिल होने का मन बनाया। उन्हें अपने प्रयासों में सफलता 16 दिसंबर 1978 में मिली। उन्हें गोरखा 11 राइफल की 5वीं बटालियन में शामिल किया गया। यहीं से उनका सैन्य सफर शुरू हुआ। यहाँ बिपिन रावत जी को सेना के अनेक नियमों को सीखने का मौका मिला और उन्हें कैसे एक टीम वर्क करना चाहिए यह भी उनके समझ में आया। बिपिन रावत जी ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी ज़िंदगी में उन्होंने गोरखा में रहते हुए जो सीखा वो कहीं और सीखने को नहीं मिला। यहाँ उन्होंने आर्मी नीतियों को समझा और नीतियों के निर्माण में कार्य किया। गोरखा में रहते हुए उन्होंने आर्मी की अनेक कॉप्स GOCC, साउथर्न कमांड, IMA देहरादून, मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में लॉजिस्टिक स्टाफ ऑफिसर के पद पर भी काम किया। बिपिन रावत ने भारत में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सेवाएं दी हैं। वे कांगो के UN मिशन के भागीदार थे और उसी वक्त उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेवाएं देने का मौका मिला था। यहाँ उन्होंने 7,000 लोगों की जान बचाई थी। 1985 में बिपिन रावत ने मधुलिका रावत से शादी की थी। मधुलिका रावत ने ग्वालियर के सिंधिया कन्या विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की और दिल्ली विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। बिपिन रावत की 2 बेटियां हैं, कृतिका और तारिणी। मधुलिका रावत बिपिन रावत के थल सेना अध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान आर्मी वॉयस वेलफेयर एसोसिएशन AWWA की अध्यक्ष थी। उसके साथ CDS के रूप में जनरल बिपिन रावत की नियुक्ति पर वह डिफेंस वॉइस वेलफेयर एसोसिएशन DWWA की अध्यक्ष बनी। उन्होंने रक्षा कर्मियों की पत्नियों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने का काम किया है। वह गैर सरकारी संगठनों और वीर नारी जैसे कल्याणकारी संघों से भी जुड़ी थी, जो सैन्य कर्मियों की विधवाओं, विकलांग बच्चों और कैंसर रोगियों की सहायता करते हैं। बिपिन रावत जी को सेना का प्रमुख बनाया गया। उन्हें 31 दिसंबर 2016 को दलबीर सिंह सुहाग का उत्तराधिकारी बनाया गया। यह पद बिपिन रावत के जीवन का अहम पद है। इस पद पर आने के बाद उन्हें पूरे भारत में एक खास पहचान मिली और वे भारतीय सेना के 27वें प्रमुख बने। उन्होंने इस पद की कमान 1 जनवरी 2017 को संभाली थी। गोरखा ब्रिगेड से COAS बनने वाले चौथे अधिकारी बनने से पहले रावत थल सेना अध्यक्ष बने। जनरल रावत 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक की योजना का भी हिस्सा थे, जिसमें भारतीय सेना नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चली गई थी। रावत नई दिल्ली में साउथ ब्लॉक से घटनाक्रम की निगरानी कर रहे थे। बिपिन रावत जी ने सेना के प्रमुख पद से 31 दिसंबर 2019 को भारतीय सेना के प्रमुख पद से इस्तीफा दिया और उन्होंने देश के पहले CDS अधिकारी की कमान संभाली। यह पहले वो इंसान है जिसे भारतीय CDS अधिकारी बनाया गया। CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अधिकारी होता है, जो थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों के बीच तालमेल का कार्य करता है और रक्षा मंत्री और गृह मंत्री का मुख्य सलाहकार होता है। हमारे देश के उजाला CDS बिपिन रावत जी का 8 दिसंबर 2021 को एक प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो जाती है। 8 दिसंबर 2021 को जनरल रावत, उनकी पत्नी और उनके निजी स्टाफ के अन्य सदस्यों समेत कुल 10 यात्री और चालक दल के 4 सदस्य भारतीय वायुसेना के MiG-17 हेलीकॉप्टर पर सवार थे, जो सुलूरू वायुसेना हवाई अड्डे से वेलिंगटन स्थित रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज जा रहा था, जहां जनरल रावत को व्याख्यान देना था। स्थानीय समयानुसार 12:10 के आसपास नीलगिरी जिले के कुन्नूर तालुके के बांदी 16 ग्राम पंचायत में स्थित एक निजी चाय बागान की आवासीय कॉलोनी के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
दुर्घटना का स्थान उस जगह से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर था जहां हेलीकॉप्टर को उतरना था। जनरल रावत और उनकी पत्नी समेत 11 के निधन की पुष्टि बाद में भारतीय वायुसेना द्वारा की गई। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह इस दुर्घटना में एकमात्र जीवित बचने वाले व्यक्ति थे, लेकिन कुछ दिनों बाद बेंगलुरु के सैन्य कमान अस्पताल में उनका भी निधन हो गया। निधन के समय रावत की उम्र 63 वर्ष थी। 10 सितंबर 2021 को जनरल रावत का अंतिम संस्कार हिंदू रीतियों अनुसार एवं पूरे सैन्य सम्मान के साथ 17 तोपों की सलामी देते हुए बरार चौक पर संपन्न हुआ। दाह संस्कार की रस्म उनकी दो बेटियों द्वारा पूर्ण की गई। सीडीएस बिपिन रावत अपने पूरे कार्यकाल के दौरान विभिन्न पदों पर रहते हुए विभिन्न कमांडो का नेतृत्व किया, जिसमें उन्होंने उप सेना प्रमुख का कार्यभार संभाला, दक्षिणी कमान थर्ड कोर का कमांड संभाला, संयुक्त राष्ट्र मिशन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, 19 इन्फेंट्री डिवीजन, 5 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स, इन्फेंट्री बटालियन पूर्वी सेक्टर का उन्होंने भलीभांति नेतृत्व किया और अपने कुशलता का परिचय दिया। सीडीएस रावत को उनके किए गए सराहनीय कार्य और उम्दा प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें विभिन्न प्रकार के सम्मान दिए गए, जिसमें आता है परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक, सेना पदक, विशिष्ट सेवा पदक इत्यादि पदकों से उन्हें अलंकृत किया गया है। बिपिन रावत जी को एक अच्छा लेखक भी कहा जाता है। उनके अनेक लेख पत्रिकाओं में पब्लिश होते हैं। वह भारतीय राजनीति पर अनेक तरह के कटाक्ष लिखते हैं। अपने लेखन की मदद से बिपिन रावत अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। आज उनके लेख पूरी दुनिया में पढ़े जाते हैं और बहुत सी ऐसी बातें लिखते हैं जो भारतीय समाज में अहम भूमिका निभाती हैं। बिपिन रावत हमेशा देश के आम मुद्दों पर एवं सुरक्षा को लेकर लिखते रहते हैं। उनकी अनेक ऐसी बातें जो हमें ऊर्जावान बनाते हैं, उनमें से हम आपको कुछ सुनाना चाहते हैं। पहला है, पद कोई भी हो उसे सही तरीके से निभाने के लिए टीम वर्क बहुत जरूरी है। दूसरा वो लिखते हैं, उन देशभक्तों की बराबरी हम नहीं कर सकते हैं जो सियाचिन की ठंड में देश की सेवा करते हैं। तीसरा वो लिखते हैं, देश की सुरक्षा के लिए हम अकेले कुछ नहीं करते, हमारा हर एक सैनिक इसमें भागीदार होता है। इतना ही नहीं, देश का हर एक नागरिक देश के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करता है। ये कुछ है ऊर्जावान विचार जो सीडीएस बिपिन रावत अपने कलमों के द्वारा लिख कर गए हैं। बिपिन रावत ने अपनी जिंदगी के अहम 37 वर्ष आर्मी के नाम किए हैं और उनके ऊपर अनेक प्रकार की जिम्मेदारियां थी। वह देश के सुरक्षा मंत्री के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। बिपिन रावत जी हमेशा कहते थे कि उन्होंने अकेले कुछ नहीं किया, वह जो भी है उनकी टीम की वजह से है। उन्होंने गोरखा बटालियन से शुरुआत की थी और उसके बाद उन्होंने आर्मी में अनेक पदों पर कार्यभार संभाला। सो दोस्तों, बिपिन रावत जी के बारे में जानकर आप सभी लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।